ये नई बात नहीं है यूपी के लिए। पिछले 7 साल जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी है तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर भी जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी की वहाँ पे भी और विशेष रूप से यूपी के अंदर तमाम से प्रगति से ही सारे फैसले हो रहे हैं और व्यवहार हो रहा है। क्योंकि घटना होना एक बात है, घटना की निष्पक्ष जांच हो, अपराधियों को सजा मिले, ये विश्वास सरकार को दिलाना पड़ता है। परंतु कोई घटना दुर्घटना हो तो मैंने कभी देखा नहीं कि आप विपक्ष को रोक रहे हो। अगर विपक्षी पार्टी जाएगी, बातचीत करेगी और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी पब्लिक के सामने, तो पब्लिक का विश्वास जमता है कि हो सकता है सरकार दबाव में आकर के हमें न्याय नहीं दिलाए, परंतु विपक्ष आ गया है, उन्होंने अपनी बात कही है, इसका मतलब वो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हमें न्याय मिलेगा, उससे शांति स्थापित करने में सहयोग मिलता सरकार को भी और आम जनता को लगता है कि नहीं, हम न्याय मिल के रहेगा। तो ये मेरी समझ के परे हैं कि किस प्रकार यूपी की पुलिस और यूपी का प्रशासन, यूपी की सरकार ये बार बार क्यों रोकती है, कभी नोएडा में रोकती है, कभी लखीमपुर खीरी जाने रोकती है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट करने की बात करते हैं, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में जब कभी कोई घटना हुई है हमने कभी किसी को नहीं रोका, जाओ अपनी बात कहो और उसकी भावना जब आएगी, और हो सकता है कि विपक्ष के जाने से लोग बयान देने के लिए आगे आए, अपनी बात कहने के लिए आगे आए, उससे हो सकता है और सच्चाई का सामना हो। अगर सरकार में ईमानदारी है और सरकार चाहती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी की गलती है, जिसके कारण सब कुछ इस वहाँ पर इतने लोग मारे गए, अगर सच्चाई सामने आती है तो आपको तकलीफ क्या होती है। तो आपको तो खुद को आगे आके सहयोग करना चाहिए, विपक्षी पार्टी जाए उनके लिए पूरी प्रशासन को कहना चाहिए कि इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनकी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए।